जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है कंप्यूटर साइंस पे। चैप्टर वन हमने स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट एल्गोरिथम हमारा हो गया था फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ फाइव गिवन नंबर्स। इसी प्रॉब्लम का हमने फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन कर लिया। फिर थर्ड एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड द फोर्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये भी हमने डिस्कस कर लिया जी। और फिफ्थ प्रॉब्लम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कवर हो चुका है। ठीक है जी, पहला तीसरा चौथा और पांचवा, फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये प्रॉब्लम्स हमारे कवर्ड हैं। साथ इनके हमने फ्लो चार्ट भी डिस्कस कर लिए थे। कुछ प्रॉब्लम्स आज हम पहले चैप्टर से होप सो कवर करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 जी बच्चे, ये प्रॉब्लम आपने अंडरस्टैंड करना है। ये प्रॉब्लम अगर आपको अच्छी तरह समझ आ जाता है, जो कि होप सो आ जाएगा इंशाल्लाह, तो इससे मिलते जुलते काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्टेटमेंट देखें जी, प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए। इस टाइप का एल्गोरिथम अगर आपने डिज़ाइन करना हो, अब इस एल्गोरिथम में प्रॉब्लम को अच्छी तरह पहले अंडरस्टैंड कर लें। हमने करना क्या है, व्हाट वी हैव वांट टू डू, 1 से 99 तक ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाने का प्रोसीजर लिखना है हमने। बेसिकली एल्गोरिथम इज प्रोसीजर ना। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली प्रोसीजर लिखना है, मीन स्टेप्स बताने हैं। अब स्टेप्स बताने हैं, इसका मतलब कि हमने ये बताना है कि हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ पे एंड करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है। तो प्रॉब्लम को गौर से देखें जरा, तो इस प्रॉब्लम में आपको बहुत सी चीजें नजर आ जाएंगी। आधे से ज्यादा सॉल्यूशन, बल्कि सारा सॉल्यूशन आपका प्रॉब्लम में ही होता है। प्रॉब्लम को अगर आप अच्छी तरह फोकस करें ना, तो सॉल्यूशन वहीं से मिलता है आपको। प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम समझ नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम में हमें नजर ये आ रहा है कि हमने 1 से स्टार्ट लेने हैं। ओके, स्टार्ट should be from 1, end should be at 99, यानी 1 से 99 तक जाने। ओके, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि हमने प्रोसीड किस फैशन में करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है। 1 के बाद हमें 3 चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू 3 चाहिए, 3 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 5 चाहिए, 7 चाहिए, यानी 2 के गैप से हमने प्रोसीड करना है। 1 हमारे पास 1 होगा, हम उस 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, फिर उस करंट नंबर 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, फिर उस करंट नंबर 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको पहले इस एल्गोरिथम का बताता हूँ। इस प्रॉब्लम को सामने रख के हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे। देखें जी, एल्गोरिथम में हमारे पास स्टेप 1 जो होता है, डेफिनेटली वो हमें याद है, डेट इज़ अ स्टार्ट। अब इस एल्गोरिथम की नोयत थोड़ी डिफरेंट है बाकी एल्गोरिथम से। ठीक है, स्टार्ट के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज वेरिएबल के, एक वेरिएबल ले लेंगे के, डजंट मैटर आप ए ले लें, एस ले लें, कोई वेरिएबल ले लें। इनिशियलाइज का मतलब होता है उसको इनिशियल वैल्यू असाइन करना, इब्तदाई वैल्यू असाइन करना। अब के को इब्तदाई वैल्यू हम क्या असाइन करेंगे, 1। अब कैसे पता चला हमने 1 असाइन करने, फ्रॉम प्रॉब्लम, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट लेने। अगर हमने 5 से स्टार्ट लेना होता, पहली टर्म 5 होती इस सीरीज की, तो हम इनिशियलाइज कर देते वेरिएबल के को 5 पे। मीन जहां से स्टार्ट लेना है उस वैल्यू पे आपने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। पहली बात, इनिशियलाइज वेरिएबल के टू 1। तो अब उसको आपने मैथमेटिकली भी लिख के दिखा देना है के इक्वल 1। नो, कीप इन माइंड के के में इस वक्त 1 स्टोर है, के इज अ वेरिएबल, यू कैन से डेट के इज अ वेरिएबल इन विच द वैल्यू 1 इज स्टोर। ठीक है जी, अब साथ चले हम बोर्ड भी ओपन कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको साथ साथ इसकी वर्किंग भी पता चलती जाए। दिस इज अवर ऑनलाइन वाइट बोर्ड, साथ ये एक लेक्चर भी हमारा लगा हुआ है जी अपलोडिंग पे। ये मैं यूट्यूब चैनल पे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ क्लास 9th का। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर मैं इसके अलावा भी आपके कोर्स से हट के भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह।
जी जनाब, तो मेरे साथ रहना है अब आपने बच्चे। इस एल्गोरिदम को इंशाल्लाह भी आपको डिजाइन करना ये आ जाएगा। वन से स्टार्ट लेना था, हमने वन पे इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा जी, एक मिनट बच्चे। नाउ लेट्स से हमारे पास ये, दिस इज अवर वेरिएबल के, दिस इज अवर वेरिएबल के। ओके, नाउ इस के में, इन दिस के, इस के को हमने वन पे इनिशियलाइज किया। दिस इज करंट वैल्यू ऑफ के, कीप इन माइंड। अच्छा, अब हमारी ये जो वैल्यू है वन, इसको हमने प्रिंट करवाना है ना, स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। यू समझ लें आप कि अभी ये के में पड़ा है, ये वैल्यू के में पड़ी है। उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे आउटपुट के, स्टेप टू पे आउटपुट के। ये आप सपोज कर लें कि ये दिस इज योर स्क्रीन, इट इज योर मॉनिटर एरिया। अब इस पे जब आप के को आउटपुट करेंगे तो के में वन पड़ा है, वन के आपका प्रिंट हो जाएगा। दिस इज योर आउटपुट, यू कैन से डेट इट इज योर आउटपुट एरिया। ठीक है, बेसिकली तो ये एल्गोरिदम्स हम डिजाइन कर रहे हैं ना, इसके बाद तो हमने इनके प्रोग्राम्स डिजाइन करने हैं। वन, अब वन प्रिंट हो गया, उसके बाद क्या करना है, स्टेप थ्री में इंक्रीमेंट के बाय टू। बिल्कुल, देखें दिस इज के ना, के की करंट वैल्यू में टू ऐड करेंगे तो थ्री बनेगा। तो जब के में टू ऐड करेंगे हम इस स्टेप पे आके, इंक्रीमेंट के बाय टू यानी के इक्वल के प्लस टू, तो के की वैल्यू वन से थ्री पे चली जाएगी, क्योंकि हमें वन के बाद थ्री चाहिए। अच्छा, वन के बाद अगर फोर चाहिए होता तो थ्री का इंक्रीमेंट कर देते, इंक्रीमेंट के बाई थ्री लिख देते। अच्छा, उसके बाद देखें स्टेप फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बचे, हमने देखें पहले स्टेप में के को वन पे इनिशियलाइज किया, कोई मुश्किल बात नहीं क्योंकि वन से स्टार्ट लेना था। फिर हमने उस वन को प्रिंट करा दिया, याद रखें उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, अब प्रिंट कहाँ कराना है, अभी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हो रहा, ये हमारी वर्किंग है, जस्ट इट इज जस्ट पेपर वर्क। यू कैन से डैट कि जब हम इसी का प्रोग्राम डिजाइन करेंगे तो ये वन प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पे। वन प्रिंट हो गया, वन के बाद अब हमें क्या चाहिए, थ्री चाहिए, इसलिए हमने स्टेप थ्री पे के में टू का इंक्रीमेंट कर दिया, थ्री बन गया। अब बचे ये स्टेप फोर, देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने कहा था कि हमने वन से कहाँ तक जाना है, 99 तक। तो अब ये जो वैल्यूज हैं वन थ्री फाइव, ये सारी वैल्यूज हमें के से मिल रही हैं, इस वक्त के में थ्री पड़ा है। अब एल्गोरिदम में हम आके क्या चेक करेंगे, चेक इफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 100। ये चेक करो कि यार इस के की वैल्यू जो है ना, ये के की वैल्यू अभी करंट वैल्यू है थ्री, क्या के की करंट वैल्यू 100 से लेस है, क्योंकि हमने 99 तक जाना है। बिल्कुल लेस है, यानी ये इसको हम लिखेंगे कैसे, इफ अगर के इज लेस देन 100, के में थ्री पड़े डेट इज लेस देन 100, देन तो क्या करो, गो टू, देखिए एक स्टाइल है ये, अब एल्गोरिदम में हम प्रोसीड करेंगे एक खास स्टाइल से, देन गो टू स्टेप टू। तो यहां से जनाब स्टेप फोर से आपने दोबारा जंप करना है स्टेप टू पे। स्टेप टू पे जाके क्या करेंगे, फिर आउटपुट के यानी के की करंट वैल्यू थ्री जो है ये प्रिंट हो जाएगी, देखते जाइएगा अब जरा। स्टेप टू के बाद फिर थ्री पे आएंगे, फिर अपने नॉर्मल फ्लो में थ्री पे आएंगे, थ्री पे आके इंक्रीमेंट करेंगे के को टू से, के में टू का इंक्रीमेंट करेंगे तो के में फाइव हो जाएगा। स्टेप फोर पे आके फिर के को चेक करेंगे, के में इस वक्त फाइव पड़े, व्हाट इज स्टोर्ड इन के, फाइव, तो फाइव भी 100 से लेस है। देन गो टू स्टेप टू, ठीक है, स्टेप टू पे जाके फिर फाइव को प्रिंट कराएंगे। तो ये सिलसिला देखें, अब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वन से स्टार्ट हुआ था, अब ये जाएगा कहाँ तक, देखें के में वन रखा, वन को प्रिंट कराया, वन प्लस टू थ्री, थ्री लेस देन 100, देन स्टेप टू थ्री प्रिंट, फिर थ्री में टू ऐड किया, फाइव बना, फाइव भी लेस देन 100, देन गो टू स्टेप टू, फाइव प्रिंट, फिर फाइव में टू ऐड करेंगे, सेवन आएगा। तो सेवन पे, सेवन को जब चेक करेंगे, सेवन भी लेस देन 100, देन गो टू स्टेप टू, ठीक है, देन सेवन प्रिंट होगा। तो ये बच्चे आपके पास ये सिलसिला वन से कहाँ तक जाएगा, 99 तक, यानी के में इंक्रीमेंट होता रहेगा, के चेक होता रहेगा, ये अप टू सुवान, ये 99 तक हमारे पास ये सिलसिला चलेगा। 99 तक आपके पास ये वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो डेफिनेटली जब 99 प्रिंट होने के बाद, अब जब 99 में 2 ऐड होगा तो ये बनेगा 99 प्लस 2 101। अब जब के में 101 आएगा, कीप इन माइंड ये बात जो हम कर रहे हैं, के में जब 101 आएगा और ये के की वैल्यू 101,
अब जब ये चेक होगी यहाँ पे तो 101 इज नॉट लेस देन 100, तो देन वाला पोर्शन फिर अब नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ बातों को आपने समझना है। अब ये देन वाला पोर्शन ये है, देन गो टू स्टेप टू, ये कब तक चलेगा? जब तक k की वैल्यू 100 से लेस रहेगी। जो ही k की वैल्यू 100 को क्रॉस करेगी तो देन वाला पोर्शन नहीं चलेगा, फिर अदरवाइज वाला पोर्शन चलेगा। अदरवाइज में क्या होगा, गो टू स्टेप फाइव, और स्टेप फाइव पे जाके हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। यानी 101 पे आके, इस वैल्यू पे आके हमारा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। एल्गोरिथम हमारा 1 से 99 तक चलेगा, यानी 1 से 99 तक वैल्यूज आपकी आपके स्क्रीन पे आउटपुट पे प्रिंट होंगी। ठीक है, अगेन इसको देख लें, हमने क्या किया, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने यहाँ पे पब्लिक, ये मैं पब्लिश कर दूं साथ, ने क्या किया जनाब, दोबारा देखें, 1 से 99 तक हमने जाना था, वैल्यूज प्रिंट करानी थी, हमने 1 के में 1 स्टोर किया, 1 को प्रिंट कराया, 1 में 2 ऐड किया। सिंपल बातें, समझने वाली बातें, कोई रटा वगैरह इसमें नहीं है। 1 इनिशियलाइज 1 पे क्यों किया, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है। 2 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर दफा 2 के गैप से चलना है। ओके, जाना 99 तक है, तो स्टेप 4 मेन स्टेप है आपका। स्टेप 4 पे आके, या तो स्टेप 4 से आप दोबारा स्टेप 2 पे जाएंगे, ठीक है ना, प्रिंट कराने के लिए, और या स्टेप 4 से स्टेप 5 पे आएंगे। अब स्टेप 4 से कब तक आप स्टेप 2 पे जाते रहेंगे बार बार, जब तक k की वैल्यू 100 से लेस रहेगी। देखे ना, इफ k लेस देन 100 देन गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 प्रिंट इंक्रीमेंट देन चेक प्रिंट इंक्रीमेंट चेक प्रिंट करंट वैल्यू प्रिंट इंक्रीमेंट चेक, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, जब तक k 100 से लेस रहेगा। ठीक है, और ये साथ वर्किंग आपको मैं बता रहा हूँ, इसका रफ वर्क ये है। तो जो ही आपका k इंक्रीमेंट होता होता 101 पे जाएगा, 100 को क्रॉस करेगा, तो देन वाला पोर्शन नहीं चलेगा, फिर अदरवाइज वाला पोर्शन चलेगा। अदरवाइज आपको कहाँ ले जाएगा, स्टेप 5 पे ले जाएगा, और स्टेप 5 पे जाके आप इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। वेरी सिंपल जी। अब लेट से अगर यहीं पे हम चेंजेस करें, एल्गोरिथम डिज़ाइन करें, इससे मिलता जुलता एल्गोरिथम ये वाला है जी। कहाँ से स्टार्ट लेना है, 27 से, खुद ट्राई करनी है बाप ने, मेरे साथ मिलके चलने, 27 से स्टार्ट लेना है और -6 तक जाने, ठीक है, और 3 के गैप से चलना है, 3 माइनस करना है। देखिए इस प्रॉब्लम में हमारे पास 2 ऐड करना था हमने, ठीक है, इस प्रॉब्लम में हमने 3 माइनस करना है, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 बनेगा ना, तो 24 में से फिर 3 माइनस करेंगे 21 बनेगा, 21 में से 3 माइनस करेंगे 18 बनेगा। स्टार्ट कहाँ से लेना है, 27 से। सो स्टेप 1 स्टार्ट, इनिशियलाइज वेरिएबल k टू 27, k इक्वल 27, आउटपुट k, ठीक है, पहले इस एल्गोरिथम में भी हमने k में 1 रख के उसको आउटपुट किया था, यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट किया था 2 का, यहाँ पे अब डेक्रीमेंट करेंगे 3 का, बिल्कुल डेक्रीमेंट बाय 3, डेक्रीमेंट k बाय 3, सेम एल्गोरिथम है, वर्किंग सेम है, ठीक है, स्टार्ट का डिफरेंस है, उसमें इंक्रीमेंट था, इसमें डिक्रीमेंट करेंगे, साफ जाहिर आपके सामने है, 27 में से 3 डिक्रीमेंट होगा तो 24 आएगा, ठीक है, इसी तरह फिर 24 में से नेक्स्ट टाइम 3 माइनस होगा तो 21 आएगा। अब जाना कहाँ तक है, ग्रेटर देन इक्वल -6 तक, यानी जब तक ये वैल्यू डिक्रीमेंट होती होती -6 से बड़ी रहेगी, k ग्रेटर देन इक्वल -6, तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। देन गो टू स्टेप 2, स्टेप 2 पे यानी प्रिंट देन डिक्रीमेंट चेक प्रिंट डिक्रीमेंट चेक, और जो ही k की वैल्यू -6 से लेस होगी, यानी माइनस होती होती -6 से भी लेस हो जाएगी, उससे ग्रेटर नहीं रहेगी या उसके इक्वल नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, आपका एल्गोरिथम अदरवाइज वाले पोर्शन पे चला जाएगा। अदरवाइज मीन अदरवाइज गो टू स्टेप 5, और स्टेप 5 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ले जी, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 8 और प्रॉब्लम नंबर 9, इसको अब आपने कॉपी पे नोट करना है जी, और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक प्रॉब्लम अगर मैं आपको इससे मिलता जुलता अगर आपको दे दूँ, तो आपको अब ये इस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सामने रखें, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 99 को, मैं वाइट बोर्ड पे एक प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स सी,
अच्छा जी, इरेजर। इसको इरेज कर देते हैं बोर्ड को। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके साथ अभी शेयर करते हैं जी। उस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम हम डिज़ाइन करके देखते हैं। ये जो अभी हमने दो एल्गोरिदम्स डिज़ाइन किए, सीरीज को प्रिंट करवाने का एल्गोरिदम्स है बेसिकली। पहली एल्गोरिदम में हमने 1 से 99 तक प्रिंटिंग करवाई, 1, 3, 5, ठीक है, 2 के गैप से। अब अज्यूम डैट कि आपके पास प्रॉब्लम जो है ना, डैट इज समथिंग एल्स, आपने 2 से स्टार्ट लेना है, 2, 4, 6, 8 एंड अप टू सो ऑन आपने जाना है जी 200 तक। इसके स्टेप्स लिखने की कोशिश करते हैं। नाउ स्टेप वन क्या होगा जी, स्टार्ट। अब आपने साथ चलना है मेरे, ठीक है, कोशिश करनी है साथ चलने की। स्टार्ट, और स्टार्ट करते ही हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज वेरिएबल के ले लें, इनिशियलाइज के टू वन, नहीं के टू टू, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट लेना है। और उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, के इक्वल टू लेंगे। सक्सेसफुली हमने पहला स्टेप लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हमें पता है जी स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है। स्टेप 2 में हमने जनाब, इन स्टेप 2 हमने आउटपुट देनी है। किसको आउटपुट करना है जी जनाब, बोलें। आउटपुट हमने करना है के को, के की करंट वैल्यू हमने आउटपुट कर दे, 2 था, प्रिंट हो गया। उसके बाद स्टेप 3 में हमने क्या करना है जी, अब हमने देखना है कि अब हमें 2 के बाद सीक्वेंस में कौन सी वैल्यू चाहिए। 2 के बाद चाहिए 4, ठीक है, दिस 4। तो साफ जाहिर है 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो यहां पे लिख देंगे जी इंक्रीमेंट के बाय 2। और उसको मैथमेटिकली भी आप लिख के दिखा देंगे, के इक्वल के प्लस 2। स्टेप नंबर 4 जी, जी जनाब, स्टेप नंबर 4 में दिस इज द मेन स्टेप। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे आके हम चेक करेंगे। सिंपली मैं लिख देता हूँ, इफ के की जो करंट वैल्यू है, इफ के इज लेस देन इक्वल 200, ठीक है जी। अगर के हमारा लेस देन इक्वल 200 है, तो देन देन हमने क्या करना है जी, देन हमने देन गो टू, ये कीवर्ड हम यूज करेंगे। गो टू का मतलब चले जाओ, कहाँ चले जाओ, देन गो टू स्टेप नंबर 2, दोबारा स्टेप नंबर 2 पे चले जाओ, ठीक है जी, यहाँ से स्टेप नंबर 2। अदरवाइज, अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब कि अगर आपके पास के की वैल्यू 200 से लेस नहीं है, तो अदरवाइज में हम यहां पे लिख देंगे जी गो टू स्टेप नंबर 5, यानी इसके बाद 4 के बाद जो स्टेप आ रहा है, डेट इज स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 पे आके डेफिनेटली हम अपने एल्गोरिदम को क्या कर देंगे, अब हमें अपने एल्गोरिदम को करना है स्टॉप। दिस इज लास्ट स्टेप, इट इज स्टेप नंबर 5, स्टॉप। तो देखिए, पहले नंबर पे हमने के को 2 पे इनिशियलाइज किया, ठीक है, के को 2 पे इनिशियलाइज करने के बाद के को प्रिंट कराया, फिर के में 2 इंक्रीमेंट किया, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। फिर 4 को यहाँ पे आके देखें, ये 4 को हम चेक कर रहे हैं, क्या के की करंट वैल्यू 200 से लेस है, तो यहाँ से फिर स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 से फिर स्टेप नंबर 2 के बाद, ये दिस इज योर स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप 2 के बाद फिर स्टेप 3, स्टेप 3 के बाद फिर 4, और फिर यहाँ से वैल्यू चेक होगी। अब जब तक के की वैल्यू आपकी, ये के की वैल्यू 200 से लेस रहेगी, आप स्टेप 2 पे जाते रहेंगे, ठीक है। स्टेप 2 पे जाके उसको प्रिंट कराएंगे, फिर के में नेक्स्ट वैल्यू आएगी, फिर के चेक होगा, देन स्टेप 2, देन के प्रिंट होगा, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा 200 तक। अब 200 से जो ही क्रॉस करेंगे आप, तो फिर आपके पास क्या होगा, जो ही ये कंडीशन फेल होगी, ये के लेस देन इक्वल 200 नहीं होगा, तो क्या होगा, देन वाला पोर्शन मैंने बताया नहीं चलेगा, फिर आपके एल्गोरिदम का अदरवाइज वाला पोर्शन चलेगा। अब सेंसिबली आपको पता होना चाहिए कि अदरवाइज में आपने क्या करना है, गो टू स्टेप 5, और स्टेप 5 पे आके अपने एल्गोरिदम को आप
स्टॉप कर देंगे। होप सो ये एल्गोरिदम आपको कवर हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा। इस एल्गोरिदम की जी आपने और इससे नेक्स्ट एल्गोरिदम आपका जो है, इन दोनों एल्गोरिदम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर इनके फ्लो चार्ट्स और आगे कुछ एल्गोरिदम्स हम इनको लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।